आज की इस एसएनए में हम आपके सामने कांग्रेस के विधायक रावदान सिंह को लेकर आए हैं। उसी रावदान सिंह को जिन्होंने भाजपा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा को मात दी थी, भाजपा के गढ़ में सेंध लगा दी। इसी के साथ आपको बता दे कि रावदान सिंह किसान आंदोलन के समय भी किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे थे। आइए ऐसे ही नेता के बारे में जानते हैं आज के इस एसएनए में। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में, भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी खबरें होती हैं? उन राजनेताओं के बारे, उन राजनीतिक घटनाक्रम के बारे जो हरियाणा में घटित हुए हैं। रावदान सिंह का जन्म 5 मई 1959 को हुआ था। इनका जन्म भिवानी के प्रहलादगढ़ में हुआ। वर्तमान समय में ये 64 वर्ष के हैं। बात इनके पारिवारिक जीवन की करें तो फिर रावदान सिंह शादीशुदा है और इनकी पत्नी का नाम संध्या सिंह है। रावदान सिंह के परिवार में 2 बच्चे हैं। रावदान सिंह की पढ़ाई लिखाई, रावदान सिंह ने अपने समय में कानून की पढ़ाई की है। स्कूली पढ़ाई के बाद इन्होंने MA किया, फिर LLB की पढ़ाई की, लॉ एंड पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। बता दें कि रावदान सिंह ने MBA की पढ़ाई भी की है। प्रदेश युवा कांग्रेस के थे महासचिव। रावदान सिंह ने कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है। फिर वे हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव रहे, जबकि इससे पहले वे जयपुर के LBS कॉलेज में अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी कि वे कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में दिलचस्पी रखते थे और छात्र संघ चुनाव भी लड़ा करते थे। 1996 में निर्दलीय के तौर पर आजमाई पहली बार किस्मत। वैसे तो रावदान सिंह राजनीति में उतरने के लिए कई बार हाथ आजमाते रहे, छोटे छोटे स्तर पर चुनाव लड़कर खुद को तैयार करते रहे, तो वहीं प्रदेश स्तर की राजनीति में उन्होंने साल 1996 में चुनाव लड़ा और वो भी निर्दलीय के तौर पर। जैसा कि हमने आपको बताया, उन्होंने भाजपा के रामविलास शर्मा को टक्कर देने की कोशिश की, लिहाजा 1996 में वे रामविलास शर्मा के विरुद्ध उतरे थे। हालांकि किस्मत ने साथ नहीं दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लगातार 3 जीत की लगाई हैट्रिक रावदान सिंह ने जब कांग्रेस का दामन थामा, तब से लेकर उन्होंने लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक लगाई है। साल 2000 से लेकर 2009 तक वे लगातार चुनाव जीतते रहे और महेंद्रगढ़ सीट से चुनकर रावदान सिंह हरियाणा विधानसभा में जाते रहे हैं। साल 2000, 2005 और फिर 2009 में लगातार एक ही लाइन में 3 चुनाव रावदान ने जीते हैं। कांग्रेस का दिल खुश करने का उन्होंने काम किया था। रामविलास शर्मा को 6 बार दी है टक्कर। रावदान सिंह जब से सक्रिय राजनीति में उतरे, तब से इन्होंने भाजपा के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा को पुरजोर टक्कर दी है। बीते 23 सालों से तकरीबन 6 बार वे रामविलास शर्मा के विरुद्ध उतरे और अधिकतर उन्हें जीत ही हासिल हुई है। ये 2 दिग्गज नेता हर बार एक दूसरे को टक्कर देते हैं और इसी वजह से महेंद्रगढ़ सीट का मुकाबला हॉट सीट में बदल जाता है। हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के बने थे प्रधान। रावदान सिंह को जहां राजनीति में दिलचस्पी थी, तो वहीं उन्हें खेलों से भी प्यार था। लिहाजा कांग्रेस ने इनके खेल प्रेम को देखते हुए ही साल 2012 में रावदान सिंह को हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन का प्रधान बनाया था, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी संभाली और निभा कर भी दिखाई है। उन्होंने खुद को साबित किया काबिल नेता के तौर पर। मोदी लहर में रावदान सिंह को मिली थी हार। इनके उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस ने रावदान सिंह को दोबारा से चुनाव लड़ने का मौका दिया था। हम बात कर रहे हैं साल 2014 के चुनाव की। इस दौरान महेंद्रगढ़ विधानसभा से ये मैदान में थे, लेकिन अफसोस कि मोदी लहर में रावदान सिंह को जीत हासिल नहीं हुई थी। मात्र 49,000 से इन्हें संतोष करना पड़ा था। भाजपा नेता रामविलास शर्मा से हार कर वे वोटों के मामले में दूसरे नंबर पर रहे थे। 2019 में रावदान सिंह ने दोबारा से वापसी की। महेंद्रगढ़ की सीट तो रावदान सिंह और रामविलास शर्मा के बीच टक्कर से के लिए जानी जाएगी।
जहां दो कद्दावर नेताओं ने एक दूसरे से जीत और हार का सामना किया है, एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है। साल 2014 में जहां राव दान सिंह को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं 5 साल के बाद उसी सीट पर राव दान सिंह ने वापसी की, जोरदार वापसी की और विधायक बन गए और रामविलास शर्मा को यहां पटखनी दे दी थी। 2019 में भी मोदी लहर थी, लेकिन इन सब के बावजूद महेंद्रगढ़ सीट से रावदान सिंह को 40,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए थे और उधर रामविलास शर्मा को तकरीबन 10,000 से अधिक वोटों से उन्होंने मात दी थी। कांग्रेस नेता का भाजपा से है नाता। जी हां, आपको सुनकर अचरज होगा, हैरानी होगी, शायद कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता परेशान भी हों कि इस कांग्रेसी नेता का भाजपा से आखिर क्या रिश्ता है, क्या नाता है। तो आपको बता दें कि जाने अनजाने में भाजपा से नाता कैसे है। अब यहां पर आपको एक बात साफ कर दे कि राव दान सिंह के बेटे अक्षत सिंह यादव की शादी भाजपा नेता राव नरबीर सिंह की बेटी से हुई है, तो फिर हुआ ना इनका भाजपा से नाता। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी, आपको ये SNA कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि SNA को बनाने में पूनम दुबे डेस्क पर मेहनत करती है, उनकी टीम मेहनत करती है और कैमरे के पीछे दीपक कुमार और उनकी टीम मेहनत करती है, लगातार वो लगी रहती है। और कैमरे के सामने कौन होते हैं, यशपाल कंचन। तो बताइएगा जरूर कैसा ये SNA लगा और अगले SNA में आप किसे सुनना चाहते हैं, किस नेता के बारे जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद SNA के लिए, यशपाल कंचन। क्या हो गया था भाई?